दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो भारत सरकार की एक एडवाइजरी बॉडी है और भारत सरकार को लीगल रिफॉर्म्स से रिलेटेड सजेशंस लगातार देती रही है। ये सजेशंस मैरिटल लॉस के ऊपर हो सकते हैं, ये सजेशंस क्रिमिनल लॉस के ऊपर हो सकते हैं, और रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड सजेशंस भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ही अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा भारत सरकार को दिए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 23वां लॉ कमीशन फॉर्म किया है। ये 23वां लॉ कमीशन 2 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है, और इससे पहले इसका टेन्योर 3 साल का होगा, और इससे पहले 22वां लॉ कमीशन 31 अगस्त 2024 को अपना टेन्योर पूरा कर चुका है। इसकी अध्यक्षता, इसकी चेयरमैनशिप कर्नाटका हाईकोर्ट के फॉर्मर जज ऋतुराज अवस्थी जी कर रहे थे। लॉ कमीशन आखिरकार होता क्या है? तो भारत में लॉ कमीशन का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहला लॉ कमीशन प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले 1834 में मैकॉले, जो हमें हमारे शिक्षा प्रणाली के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं, मैकॉले की चेयरमैनशिप में कंप्लीट हुआ था, फुलफिल हुआ था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो 1955 में एमसी सीतलवाड़ की चेयरमैनशिप में पहला लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इस लॉ कमीशन ने कई सारी रिपोर्ट्स के द्वारा मैरिटल लॉज, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के द्वारा, बहुत सारी रिपोर्ट्स के द्वारा हमें लीगल रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, जिससे कि ज्यूडिशरी का बर्डन कम होता है। लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन संसद में या पार्लियामेंट में नहीं होता है, तो यह पूरी तरीके से नॉन स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। यूनियन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है। गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का एक तरीके का कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा ही लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। लॉ कमीशन जो भी ऑब्सोलीट लॉज हैं, जो यूज में नहीं है, या किन लॉज को रिपील कर देना चाहिए, नए नए रिफॉर्म्स कौन से लाने चाहिए लीगल स्टैट्यूट्स में, इससे रिलेटेड सलाहें हमारी भारत सरकार को देता है। तो और गवर्नमेंट के लिए ये एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि इसकी सलाह को माना ही जाए। कमीशन्स रिकमेंडेशंस हैव ओवर द डिकेड्स लेड टू इनएक्टमेंट ऑफ सीआरपीसी। हमारी जो सीआरपीसी है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका रिकमेंडेशन भी, उसमें कई सारे रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन ने ही सजेस्ट किए थे। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन जो हमारे यहां आया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, वो भी लॉ कमीशन ने ही सजेस्ट किया था। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, क्या क्या मेंबरशिप होती है, तो फुल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन जो होता है वो मैंडेटरली या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट का रिटायर जज होना चाहिए, या फिर कोई लीगल ल्यूमिनरी होना चाहिए जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हो, या फिर जूरिस्ट हो, या फिर प्रोफेसर ऑफ लॉ इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में लॉ का प्रोफेसर होना चाहिए, लीगल प्रोफेसर भी फुल टाइम मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकता है। इसके अलावा इस लॉ कमीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सेक्रेटरीज आर रिक्वायर्ड, तो मेंबर सेक्रेटरी कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या तो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक से कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा देयर आर सम पार्ट टाइम मेंबर्स, और वो पार्ट टाइम मेंबर्स बार के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बार होते हैं, बार एंड बेंच। ठीक है, तो बार के मेंबर्स को पार्ट टाइम मेंबर्स बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी लीगल एरिया, लीगल फील्ड की, लीगल फील्ड की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और काफी ज्यादा रिसर्च वर्क उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान किया होता है, इसलिए उनको पार्ट टाइम मेंबर्स बनाया जा सकता है। कमीशन का इसके अलावा रेगुलर स्टाफ भी होता है, जो कि जो छोटे मोटे रिसर्च वर्क होता है उसको कंडक्ट करता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा रोल यही है कि ये एक्सपर्ट एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैंने पहले भी बताया है कि ये एडवाइस मानना या ना मानना टोटली गवर्नमेंट का डिसीजन है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपने लेवल पर भी रिसर्च कर सकता है, सुओ मोटो भी रिसर्च कर सकता है, मतलब कि उसको जो चीज कॉग्निजेंस में लेनी है, जिस लॉ को, लॉ में बदलाव लाने हैं, उसमें सुओ मोटो डिसीजन लेकर उस पर रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे बोला हो कि भाई आप क्या करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें बताओ, भाई आप क्या करो, आप हमें एचएमए के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या सजेशंस होंगे आपके, क्या क्या हम बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में बताओ, आप हमें सीआरपीसी से रिलेटेड, सीआरपीसी में जो बदलाव है वो बताओ। ठीक है, या फिर आप आईपीसी में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे आईपीसी को ज्यादा जस्टिस डिलीवरी में मदद मिल सके, आईपीसी में इससे रिलेटेड बदलाव हमें बताओ। ठीक है, इसकी रिसर्च और स्टडीज के द्वारा इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कई सारे कंफ्यूजन आते हैं,
ठीक है। तो जितनी बार एक लिटरेचर को, लीगल लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है, लीगल स्टैट्यूट को रिव्यू किया जाता है लॉ कमीशन के द्वारा, उतनी बार वो स्टैट्यूट या लीगल लिटरेचर, जैसे आईपीसी है, अब आईपीसी को जितनी बार लॉ कमीशन रिव्यू करेगा या सीआरपीसी को जितनी बार लॉ कमीशन रिव्यू करेगा, उतनी बार आईपीसी और सीआरपीसी में जो भी खामियां हैं जिसकी वजह से जस्टिस डिलीवरी मुश्किल में पड़ रही है, मुसीबत में पड़ रही है, उसको दूर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और जस्टिस डिलीवरी को स्टेट फास्ट किया जा सकता है कि लोगों का ज्यादा पैसा बर्बाद ना हो जस्टिस पाने में। ठीक है, तो इट इज पोअर, प्रो पुअर और पुअर फ्रेंडली इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा टू रिवाइज द सेंट्रल एक्ट्स ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस सो एज टू सिंप्लीफाई देम, जो भी सेंट्रल लॉज हैं उनको रिवाइज करना, उनको रिव्यू करना भी लॉ कमीशन का ही काम है। जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन ने दिए हैं उसकी कुछ रिपोर्ट्स यहां पर मेंशन है, जैसे 170th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन का पहली बार फॉर्मूला दिया, जिससे कि गवर्नेंस ज्यादा आसान हो पाएगी और स्टेट्स में स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि यह जनरली देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा तकरार बनी रहती है, हमेशा मुसीबतें बनी रहती हैं अगर सेंट्रल यूनियन में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया था वो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ही दिया था। लॉ कमीशन इन इट्स 262nd रिपोर्ट रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई टेरर ऑफेंसेस के अलावा सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं उनसे हमें डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी काफी ग्रूसम लाइक पनिशमेंट है। ठीक है, इसके बाद उस एक्यूज्ड को सुधरने का मौका नहीं मिलता है, ही विल बी लाइक टोटली कैपिटल पनिशमेंट दे दिया आपने उसको, सेंटेंस टू डेथ कर दिया। ठीक है, तो उसको सुधरने का मौका नहीं मिलता है, उसके पास ये, उसको ये चांस नहीं मिलता है कि वो एक बेटर पर्सन के रूप में सामने आ पाए। ठीक है, एंड पनिशमेंट, ओवरऑल पनिशमेंट इज, पनिशमेंट क्या है, रेयर है। बेसिकली हम बेल को मानते हैं कि बेल देना सही है, पनिशमेंट देना गलत होता है, पनिशमेंट देने से सुधार नहीं आता है। रिसेंट ईयर द कमीशन हैज वर्कड ऑन सेंसिटिव इश्यूज। ठीक है, आजकल सेंसिटिव इश्यूज के मामले में अगर हम देखें तो हेट स्पीच, कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस व्यूज अपने सामने रखना, उसके ऊपर बहुत काम किया है लॉ कमीशन ने, और हेट स्पीच, उसके अलावा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और डेटा प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर नए नए रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं लॉ कमीशन ने। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन से यहां पर लिखी हुई है कि 270th रिपोर्ट जो थी उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन ना होने पर कई बार कोर्ट में जाने पर प्रॉब्लम्स आती हैं जस्टिस डिलीवरी में, इसलिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। रिपोर्ट नंबर 271 टॉक्स अबाउट ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग से केवल इंसान का आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जानी चाहिए। रिपोर्ट नंबर 272 इज अबाउट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन कैट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, इस वजह से कई सारे क्रिमिनल्स जो यहां से इंडिया से इंग्लैंड या अदर कंट्रीज में चले जाते हैं उनको हम वहां से एक्स्ट्राडाइट नहीं करा पाते, उनको हम वापस नहीं ला पाते, क्योंकि यह माना जाता है कि इंडिया में एंटी टॉर्चर लॉज नहीं है, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है हमारे यहां, वो कस्टोडियल टॉर्चर होता है लोगों के ऊपर और कस्टोडियल वायलेंस होता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट कोई लॉज नहीं है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है जिससे कि फाइनेंशियल क्राइम करने वाले लोगों को वापस देश में लाया जा सके। रिपोर्ट नंबर 274 टॉक्स अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। रिपोर्ट नंबर 275 वाज अबाउट बीसीसीआई, टू होल्ड बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। ठीक है, कोई आरटीआई एप्लीकेशन इसके लिए किया जाता है तो बीसीसीआई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन रिपोर्ट नंबर 276 इज अबाउट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर लॉ कमीशन ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है रिसेंटली। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जैसे कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉज बनाए गए थे, उन पर इसने तरह तरह के सजेशंस दिए हैं, सीआरपीसी पर अपने सजेशंस दिए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।